हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। सिंप्लीफिकेशन आपके सामने है। 2/3 / 2/3 / 2/3 / 2/3 / 2/3 इनको डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा। आसान मेथड पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप जल्दी से लिख के भेजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिए, अपना आंसर कंपेयर कीजिए। देखिए 2/3 एज इट इज लिख रहा हूं मैं अभी। सबसे पहले सिंपल काम क्या करो, ये जो डिवाइड के साइन है ना, इन सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। कैसे? जैसे ये डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो ये जो 2/3 है ना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। सेम आगे वाले डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई करिए तो ये 2/3 क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। ऐसे ही लास्ट वाले को भी करना है तो ये भी क्या बनेगा, 3/2 बनेगा। सबसे इजी यही है कि जितने भी डिवीजन के साइन नजर आए सबको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। और अब तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन रह गई है। जैसे आप देखिए ना, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर 2 से 2 कट गया, राइट, 2 1s are 2, 2 1s are 2। ऐसे ही 3 से 3 भी कट गया, बाकी का बचा तो नहीं कटता ना। अब आगे तो क्या बनेगा, वी आर लेफ्ट विद 3 multiply 3 ऊपर बचा, नीचे 2 multiply 2, तो हमारा आंसर क्या बना यहां पर, 9/4। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 9/4 बनता है। अब इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप उसका आंसर बताइए। मान लीजिए हमारे पास ये हो 1/2 / 1/2 / 1/2 और लास्ट में एक बार फिर से साइन ऑफ डिवीजन हो 1/2, तो आप इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। मैं इसी में एक चीज और ऐड कर रहा हूं इस क्वेश्चन में ही। जैसे मान लीजिए, जरूरी नहीं कि सारे साइन डिवीजन के हों, लेट्स सपोज सारे साइन डिवीजन के नहीं है और आपके पास ऐसा क्वेश्चन है 3/4 / 9/16 / 2/3। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है तो भी हमारा रूल चेंज नहीं होगा, हमारा रूल सेम ही रहेगा। क्या करना होगा कि आप सिर्फ इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई का करिए, 9/16 का रेसिप्रोकल 16/9 लास्ट में एज इट इज रहेगा, ऑलरेडी मल्टीप्लाई है तो वो पड़ा रहने दीजिए और इसको कैंसिल कर दीजिए। जैसे 3 से इस 9 को काट दीजिए, 3 बनेगा, 4 से ऊपर वाले 16 को काट दीजिए, 4 बनेगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 4 multiply 2 = 8, 3 multiply 3 = 9, तो इसका आंसर 8/9 होगा। ऊपर बॉक्स में आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, इसका आंसर जरूर लिख के भेजिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।